क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.4, टू प्रूव कॉसेक थीटा माइनस कॉट्स थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मीन्स आपको ये LHS वाली चीज़ प्रूव करनी है RHS के बारे में, आपको सॉल्व करके ये लाना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मेथड हैं, बहुत मेथड से आप प्रूव कर सकते हो, बहुत मेथड हैं, बहुत टाइप्स हैं करने के, ठीक है। या तो आप इसको सॉल्व करके LHS सॉल्व करके ये ले जाओ, या इसको सॉल्व करके ये ले जाओ, आपको दोनों आंसर LHS टू LHS से RHS लाना और RHS से LHS लाना, ठीक है। देखो मैं LHS लेके चलता हूँ। देखो LHS क्या दे रखा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। मैंने आपको कहा था या तो आप जो भी चीज़ है, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको एक्सपेंड कर दो ए माइनस बी की आइडेंटिटी में, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। कर दिया सर LHS को। अब कॉस स्क्वायर थीटा को, अब मैं कहा जब भी कोई चीज़ साइन और कॉस के अलावा होती है इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम किस में, साइन और कॉस में। साइन और कॉस के अलावा कोई भी चीज़ को कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा, हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, कन्वर्ट कर दो उससे कॉस को 1/sin थीटा में, ठीक है। तो 1/sin थीटा कर, लेकिन क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है आपका, ये देखो कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा का वो भी लिखते हैं 1/tan थीटा, लेकिन टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो रेसिप्रोकल होके क्या जाता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा के बदले क्या लिखना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा को भी बदल दिया हमने किस में, कॉस थीटा और साइन थीटा में। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन स्क्वायर था तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, माइनस 2 इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या है, 1/sin थीटा। कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी साइन इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो पूरा एलसीएम क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा कितना आएगा, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 1 से, तो 1 आएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कितना है, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 कॉस थीटा से, ठीक है। अब देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी बन गई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर की। कैसे, 1 का स्क्वायर कर दूंगा तो 1 ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके यहाँ पे आप चाहे 1 लिख लो, ठीक है, बन गई आइडेंटिटी ए माइनस बी की होल स्क्वायर की। 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो किस में क्लोज होगी, इनक्लोज होगी 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर में, और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ऐसे, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा मैंने बताया था ना, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए रख देंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये क्या है, इसका 1 का स्क्वायर कर दूँ फर्क पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा ऐसी, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा ऐसी, ये को लेकर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसमें खुलता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी में 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा एक 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS, ठीक है।